सबको नमस्कार। कल दिल्ली में जिस तरह से हिंसा हुई, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और जिन्होंने जिन्होंने उकसाया, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ, वो अपमान हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा। मैं एक बात चिन्हित करना चाहता हूं, जोर देकर कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने लगातार उकसाने का काम किया किसानों के आंदोलन में। पंजाब में उनकी सरकार है, ऐसा जब आंदोलन होता है 26 तारीख को, जब किसान नेता कुछ कह रहे थे कि ये फाइनल मैच है, तब पंजाब सरकार को पंजाब से निकलने वाले ट्रैक्टरों पर निगरानी करके जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स है उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट करनी चाहिए थी, नहीं की। राहुल गांधी लगातार केवल समर्थन नहीं कर रहे थे, उकसा रहे थे। सीएए में भी ऐसा ही हुआ। कांग्रेस की रैली होती है, सड़क पर आने की वो चेता उकसाते हैं और दूसरे दिन से सड़क पर आंदोलन शुरू होता है। वैसा ही ये भी आंदोलन है। कांग्रेस की सरकार है वहां, जानबूझकर किसानों को उकसाया। कल के ट्वीट भी प्रमाण है। कल यूथ कांग्रेस के और बाकी कांग्रेस के संबंधित संस्थाओं के ट्वीट्स, उदाहरण के लिए मैं बताऊं, एक ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा, अहिंसक मार्च को हिंसक दिखाने की कोशिश हो रही है। यह जो इतना लाल किले पर हुआ अहिंसक था, और जो नागलोई में हुआ था वो अहिंसक था, और जहां जहां पुलिस ने रोकने की कोशिश की वहां जो हुआ, जिस तरह से पुलिसों पर प्रहार हुआ तलवार से, डंडे से, जिस तरह से पुलिस को पीटा गया, पुलिस को 300 से ज्यादा पुलिस जख्मी हुए, अभी तो पुलिस ने कहा 400 लोग जख्मी हुए, अनेक लोग हॉस्पिटल में है और अनेक पुलिस आईसीयू में भी है, और ये कह रहे हैं कि अहिंसक मार्च को हिंसक दिखाने की कोशिश, यह अहिंसक मार्च नहीं था, लेकिन कांग्रेस उसको अहिंसक बता रही है। दूसरे ट्वीट में कांग्रेस ने कहा है, युवा कांग्रेस मजबूती से ट्रैक्टर रैली के साथ खड़ी है, और ट्रैक्टर कैसे, बस को धड़क देंगे, बैरिकेड को धड़क देंगे, पुलिस जीप को सामने से टक्कर मारेंगे। और तो और कांग्रेस के एक ट्वीट में तो जो एक्सीडेंट हुआ वहां कल, और जिसमें किसान की मौत हुई, सबने देखा, क्योंकि नसीब से वीडियो शूटिंग हुआ था, नहीं तो कांग्रेस ने तो ट्वीट कर दिया, पुलिस बर्बरता के चलते एक किसान मरा। और जब पूरे देश से निंदा के स्वर उठने लगे, तब जाके राहुल जी का बयान आया कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं, शांति की अपील करता हूं। यह पश्चात बुद्धि है। कांग्रेस हताश है, निराश है,
चुनाव में हार रहे हैं, कम्युनिस्टों की भी वही हालत है, इसलिए पश्चिम बंगाल में भी नए दोस्ती का रिश्ता ढूंढ रहे हैं। वो किसी भी तरह से देश में अशांति तैयार करना चाहते हैं, कोई दंगा भड़के, कोई अशांति हो, कोई हिंसा हो, पुलिस सख्ती करे, पुलिस फायरिंग करे, लोगों के जान माल की हानि हो और फिर भड़काया जाए माहौल, यही कांग्रेस की राजनीति अब बच गई है। लगातार बीजेपी और विशेषकर मोदी जी की लोकप्रियता और सफलता बढ़ रही है, कांग्रेस और कम्युनिस्टों की घट रही है। उनको चिंता है परिवार राज का क्या होगा। लोगों ने नकार दिया, लेकिन उसी कांग्रेस अहंकार के साथ आज इस तरह से हर हिंसा के संभव को उकसाने का काम कर रही है। कल दिल्ली पुलिस ने अद्भुत संयम दिखाया, उनके पास शस्त्र थे लेकिन उन्होंने चलाया नहीं, तलवार से प्रहार हुए, डंडे से प्रहार हुए, पत्थर से प्रहार हुए, फिर भी पुलिस ने संयम दिखाया, ये निश्चित रूप से पुलिस की एक प्रशंसनीय काम है। और थोड़े समय में सब अशांति को काबू में मिलाया। सरकार ने तो 10 राउंड चर्चा की है, साल डेढ़ साल कानून रोकने की स्थगित करने की भी तैयारी दिखाई है, चर्चा के लिए बुलाया, क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा तो करो, दिखाओ किसानों का कौन सा अधिकार कम हुआ है इन कानूनों से, एमएसपी, मंडी, मालिकाना हक, किसी को भी ठेस नहीं पहुंची है, सब जारी रहेगा, ये मालूम है। एक किसान को ऑप्शन देने का प्रयास है इन कानूनों में। कांग्रेस भी समझती है, लेकिन कांग्रेस ये समझौता होने नहीं देना चाहती। एक तरह से मुझे कभी कभी लगता है कि जो हारे हैं, जो पराजित हुए हैं लोगों के चुनाव में, वो सब इकट्ठा आकर देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। छब्बीस जनवरी को कांग्रेस इस तरह से किसानों को उकसाएगी, कहां से कहां कांग्रेस गिर गई है उसका ये उदाहरण है। और इसलिए कांग्रेस की ऐसी नकारा सोच की, उकसाने की राजनीति की, और वो जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है। और उनकी सरकार होकर ये सब तरह से हुआ है, यह हमें समझना चाहिए। और इसलिए कांग्रेस के ऐसे राजनीति की हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। जनता ही इसको सही जवाब देगी, ये वो समझना चाहिए उनको। एक बार सीएए के समय इस तरह का आंदोलन किया, अब वो दूसरी कोशिश कर रहे और भी कोशिश करते रहेंगे, लेकिन सफल नहीं होंगे। देश की जनता मजबूती से विकास के लिए इस सरकार के साथ खड़ी है
और सभी कहाँ, बाकी सभी प्रदेशों से, प्रदेशों में किसान आंदोलन नहीं है। कांग्रेस के प्रयास के बावजूद भी अनेक राज्यों में नहीं हुए हैं। तो इसलिए कांग्रेस की इस उकसाने वाली राजनीति की हम भर्त्सना करते हैं। आज मेरे तरफ से इतना ही है, आपको कुछ सवाल पूछना है तो जरूर पूछिए। But they should now take the responsibility that what has happened is because of these leaders, and again they have addressed a press conference, they have blamed the BJP, they have blamed the police, they have blamed the government, but still they are not accepting the fact that they were also at the front and they did not handle the whole protest peacefully. Fortunately, there is video recording of every moment. And from record it can be seen who has instigated the mob right from the morning, who defied the agreement they have reached with police when police granted them permission to hold a rally or a tractor march, tractor parade they used to say. And tractor parade was allowed on the basis of conditions given, which they accepted and did not adhere to. Therefore, everybody is responsible, but police will take care of people present on the scene. But I have narrated who was behind. पीछे कौन था, कौन ट्विटर से ये चला रहा था कैंपेन, कौन उकसा रहा था, ये मैंने वर्णन किया है। बिल्कुल, कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी को देश की माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की नकारा राजनीति देश के लिए लाभदायी नहीं है। Sir, almost one dozen of dozen rounds of discussion, but still, do you think that because the farmers' groups were infiltrated by political ideology people, that was the reason why we saw the what we happened on 26? That was the zenith of ultimate of all the misunderstanding and the misinformation. Journalist and you all people who are witness to the whole process will analyze the scenario much better. But one thing is very clear, that it was a sincere effort by government, and there was no apparent reason for not saying and only sticking to one word, that repeal the law. When government showed readiness to do everything and ready to go clause by clause, but still some people did not agree because there was politics behind. संयुक्त किसान मोर्चा हो या कांग्रेस हो, वो सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे कि आपकी साजिश थी पूरे आंदोलन को खराब करने की, दीप सिद्धू का नाम लेकर उस सरकार के ऊपर आरोप। हद हो गई, ये तो उल्टा छोर कोतवाल को डांटे। पुलिस ने तो सब पर एक्शन ली है और पूरा ये मॉब जो शुरू में किसान ट्रैक्टर लेके जो घुमा रहे थे, जो पुलिस के गाड़ियों को टक्कर मार रहे थे, जो 36 बसों का अद्भुत नुकसान किया है, जो अनेक सैकड़ों वाहनों को डंडे से तोड़ा है, ये हिंसा का वातावरण नहीं था, हिंसा नहीं थी।
तो अब ये सारा दोष सरकार पर ही मढ़ना यानी हद हो गई। राजनीति होती है लेकिन ऐसी नहीं कभी किसी ने देखी, लेकिन ये उल्टेगी, ये उनको लाभदायी नहीं होगी। Download Tarang Online Radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.